तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं टेक डिसाइड और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर और आप सभी के अपने चहेते चैनल के ऊपर। तो आज हमारे पास में है सैमसंग का A50, जैसे कि मैंने आपको बहुत से अपडेट लेके इसकी बताई है। तो फाइनली और एक अपडेट सैमसंग ने पुश आउट की है जो कि 153 MB की है और इसमें आपको देखा जाए तो किस तरह से आपको क्या मिल रहा है, क्या इस में आपको कवर किया गया है। तो द स्टेबिलिटी ऑफ कैमरा हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, कैमरा पिक्चर क्वालिटी हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, वाईफाई कनेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी हैव बीन इम्प्रूव्ड, द सिक्योरिटी ऑफ डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड एंड अदर स्टेबलाइजर्स कोड्स आर अप्लाइड। तो देखिए, ये जनरली जो अपडेट है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो कैमरा के अंदर जो कुछ इम्प्रूवाइजेशन है वो की जाएगी, यानी कि पिक्चर क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकती है। साथ ही में वाईफाई कनेक्टिविटी अगर वो लॉस्ट हो रहे थे, किसी की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ बग्स आ रहे थे, तो वो भी क्लियर करने की कोशिश की, और सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये अपडेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। तो चलिए अभी इसे कर लेते हैं डाउनलोड और डाउनलोड करने के बाद में देखते हैं क्या कुछ इसमें इम्प्रूव होने वाला है। तो चलिए वेट करते हैं डाउनलोड होने तक के। तो चलिए देखते हैं इसके कैमरा में क्या कुछ इम्प्रूव किया गया है। अपडेट टू ये फ़ोन हो चुका है, इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं या नहीं वो भी देख लेते हैं। तो कैमरा ऐप करते हैं ओपन, ओपन करने के बाद में देखते हैं UI। तो ये है रियर कैमरा, रियर कैमरा में UI में कुछ चेंजेस तो मुझे नहीं दिख रहा है। सेम वही मोड है, लाइव फोकस मोड, फोटोज़, प्रो मोड, पैनोरामा मोड, यहाँ पर आपको स्लो मोशन, हाइपरलैप्स। तो रियर कैमरा में कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप फ्रंट कैमरा की अगर बात करते हो तो फ्रंट कैमरा में पिछले अपडेट में आपको जो एक चेंजेस आया था, जैसे कि इसमें आपको वाइड सेल्फी का ऑप्शन आया था, वही बस सेम इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं है। और इसमें एक चेंजेस किया गया कि इसकी स्टेबिलिटी में कुछ चेंजेस किए जाने वाले हैं। जैसे कि कैमरा अगर आप शूट करते हो रियर फ्रंट दोनों तरफ से या फिर रिकॉर्ड करते हो तो आपको फोटो की क्वालिटी और क्लियर हो सकती है, यानी कि स्टेबलाइजेशन भी और क्लियर हो सकती है, आपके फ़ोटो अच्छी तरह से निकल सकते हैं, आपको अच्छा और स्मूथ एक्सपीरियंस आएगा। तो ये एक अपडेट के साथ में क्लियर करने की कोशिश की गई है। फ्रंट में अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे सेल्फी के जो ऑप्शंस थे वो पिछले अपडेट में ही आए थे, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है ओवरऑल, तो मुझे अब तक नहीं दिखा। बस अगर सेटिंग्स में अगर जाते हो तो रियर कैमरा के अगर सेटिंग में देखते हो तो आपको 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट अभी भी नहीं है, बस आपको Full HD मिलता है, आपको Full HD मिलता है रियर और फ्रंट में। तो 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आना चाहिए था, शायद से अगले अपडेट में आ जाएगा, तो वेट करना चाहिए। तो इस अपडेट में मुझे कुछ नया नहीं लगा। 153 MB की अपडेट थी, सिक्योरिटी पैच लेवल मई के महीने का है, वो अपडेटेड होने वाला है, तो मेरे हिसाब से आपको लेनी चाहिए अपडेट ये ज़रूर अगर आपके पास में ये 50 है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वायरस आते हैं, उसके बाद में स्पायवेयर आते हैं, तो आजकल आपके सभी फ़ोन में सभी ऑनलाइन डाटा होता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट आप करते हो, तो उसके हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से आपको ये अपडेट बिल्कुल लेनी चाहिए अपडेट, छोटी हो बड़ी हो लेनी चाहिए। और वाईफाई कनेक्टिविटी को लेकर भी इसमें जो अपडेट दी गई है कि बार बार बहुत से लोगों का वाईफाई जो है डिसकनेक्ट हो रहा था, कनेक्ट नहीं होता था, तो वो इशू भी क्लियर कर दिया गया है वाईफाई को लेकर, तो वाईफाई को भी क्लियर कर दिया गया है। और सिक्योरिटी कोड्स जो है वो भी इसमें डाल दिए गए, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स थे अगर सिक्योरिटी के लेकर तो वो भी सॉल्व की गई है, सिक्योरिटी पैच लेवल भी। और ओवरऑल देखिए स्टेबिलिटी के हिसाब से कैमरा में भी चेंजेस किए गए, तो देखिए आपको ये स्मूथ लगेगा इसका कैमरा इंटरफेस, और साथ ही में मोबाइल भी और थोड़ा सा स्मूथ मुझे लगा है। क्या पता शायद से अपडेट लेने के बाद में एक दिमाग में एक वो साइकोलॉजिकल लोचा होता है कि नहीं अपडेट लिए तो अभी फोन अच्छा चलेगा, फ़ोन ऐसा कुछ रहता है, तो उस हिसाब से हो सकता है, लेकिन कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में अगर अपडेट आती है तो उसके लिए हम आपको और अलग से वीडियो बनाकर बता देंगे। और जैसे कि हमने इसके अपडेट बहुत बार ली, लेकिन इसके फिंगरप्रिंट सेंसर में मुझे बिल्कुल इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं मिला, और साथ ही इसकी बैटरी जो है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलती, मुझे वो दिक्कत है इसके ये फ़ोन से। बाकी फ़ोन बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा है, कैमरा, इसकी डिस्प्ले क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, वो थोड़ा सा मुझे निराश करता है, इसकी बैटरी भी इतनी कुछ खास बैकअप नहीं देती। तो आने वाले अपडेट के अंदर अगर चाहे तो सैमसंग इसके बैटरी बैकअप, साथ ही में फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ ही में इसकी ओवरऑल जो है वो क्वालिटी जो है और इम्प्रूव कर सकता है, 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी इसमें दे सकता है, सुपर स्लो मोशन का सपोर्ट दे सकता है, और अलग अलग ऑप्शंस भी इसमें इनेबल कर सकता है सैमसंग अगर चाहे तो। तो शायद से अगले अपडेट का वेट आपको करना चाहिए, और ये अपडेट आपको जरूर कर लेनी चाहिए, सिक्योरिटी के हिसाब से अपडेट बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपडेट जरूर लीजिए, सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय।